रसनिक, रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला है एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे बेलन। तो प्रश्न एक का पहला पहला अभी हल कर रहे हैं, तो बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो बेलन की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है। बेलन की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो कितना दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर कॉमा ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई ऊंचाई को एच से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, एच से, तो ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो देखिए 2π, पाई का मान होता है 22/7, कितना मान होता है 22/7। आर आर कितना दिया हुआ है 7, देखिए त्रिज्या को आर से लिखते हैं तो आर दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे आर की जगह पे 7 लिख लेंगे। एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5 है, तो एच की जगह पे 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, क्या कट गया, 7 से 7 कट गया, गुना है तो 7 से 7 काट लेंगे, तो 2πRh, देखिए सब गुना में है, तो 2π यानी 2 गुना, पाई का मान होता है 22/7, आर का आर दिया हुआ है 7 और एच दिया हुआ है 5, तो 7 से 7 काट लेंगे, कितना आ गया, 5 दूना 10, 10 गुना 22 यानी 220, 220 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर में यानी 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम प्रश्न पहला का पहला हल करेंगे। प्रश्न एक का दूसरा भी हल करेंगे। तो रिक्त स्थानों को भरें, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास 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 को डी से लिखते हैं, ठीक है, व्यास को डी से लिखते हैं, तो बेलन का व्यास यानी डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 7 को 2 से भाग दे देंगे, तो बेलन की त्रिज्या कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा 7/2 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, बस दो से भाग दे देंगे, यानी आधा होता है व्यास का, आधा त्रिज्या होता है। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं हमसे? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh, 2πRh। तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। R, R हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई, तो देखिए 2 × π का मान 22/7, R कितना है? R है 7/2, देखिए त्रिज्या 7/2 है, तो R की जगह पे लिखेंगे 7/2 × h, h कितना है? 5 है, 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 कट गया, यानी 22 × 5 = 110, कितना आ गया? 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास दिया हुआ था, उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और ऊंचाई दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा करके हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न दूसरा का पहला, किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या दिया हुआ है? किसी समबेलन की त्रिज्या, तो समबेलन कहें या बेलन कहें, एक ही बात है, तो देखिए लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को R से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी h, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेलन का, तो देखिए समबेलन या बेलन लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh, 2πRh। तो पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है? 7, देखिए त्रिज्या कितना है, तो 7 है, तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, एच 10 है, तो एच की जगह पे 10 लिखेंगे, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 × 44 × 10 यानी 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र कितना आ गया? 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ था और ऊंचाई, तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यानी 2πRh लगा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा, तो प्रश्न दो का दूसरा, तो दिया हुआ है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्रश्न दो का दूसरा, तो बेलन के
बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन, बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे। फिर से देखिए, बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। जैसे देखिए बेलन इस तरह का होता है, बेलन जो है इस तरह का होता है, ठीक है। ये है बेलन। तो देखिए आधार, आधार कैसा है? वृत्त के जैसा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल इसका होगा, तो ये वृत्त है यहाँ पे। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि बेलन का आधार एक वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करके त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा पाई, ए स्क्वायर बटा पाई, यानी आर बराबर, अतः आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बटा पाई सेंटीमीटर। यानी कितना हो गया? देखिए पाई आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो पाई को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, घात दो है, तो इसको हम दायां तरफ करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बटा पाई। तो ए स्क्वायर अंडर रूट में है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए, यानी ए बटा रूट पाई सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या यानी आर। तो बेलन का आधार कितना, ये त्रिज्या कितना आ गया? ए बटा रूट पाई सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे? वक्र पृष्ठ। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो दो दो पाई आर एच, आर कितना है? देखिए आर कितना है, तो आर हम लाए हैं ए बटा रूट पाई, ए बटा रूट पाई गुना एच। एच कितना दिया हुआ है प्रश्न में? देखिए एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी बी लिख लेंगे। तो एच यानी ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो एच के जगह पे बी लिख लेंगे, ये बी है। एच के जगह पे क्या लिख लेंगे? बी। और आर, आर हो गया त्रिज्या। त्रिज्या हम कितना लाए हैं? देखिए त्रिज्या कितना लाए हैं? ए बटा रूट पाई, ए बटा रूट पाई। तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लिए हैं, कितना आया है। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर बटा पाई। तो ए स्क्वायर है अंडर रूट में, तो ए हो जाएगा, यानी ए बटा रूट पाई सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया? ए बटा रूट पाई सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे लिख लेंगे ए बटा रूट पाई, और पाई तो पाई ही रहेगा। देखिए 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बेलन का, तो 2 पाई आर एच, तो पाई पाई ही रहेगा यहाँ पे। आर की जगह पे क्या लिख लेंगे? ए बटा रूट पाई। एच की जगह पे बी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पाई को हम लिख सकते हैं 2 गुना रूट पाई गुना ए गुना बी बटा रूट पाई, इस तरह लिख सकते हैं। पाई को हम क्या लिख सकते हैं? रूट पाई गुना रूट पाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि रूट पाई गुना रूट पाई क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई को हम इस तरह तोड़ के लिख लिए हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि बटा में रूट पाई है, तो देखिए रूट पाई से रूट पाई खत्म हो गया, रूट पाई से रूट पाई
खत्म हो गया। तो क्या बचा, 2 गुना पाई गुना a गुना b, यानी इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका उत्तर होगा 2√πab, 2√πab, ठीक है, 2√πab। तो देखिए 2 गुना √πa गुना a गुना b क्या होगा, 2√πab, 2√πab। तो 2 गुना √πa क्या होगा, 2√πa, और यहाँ पे a गुना b यानी ab। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2√πa। फिर से इसको समझ लेते हैं एक बार। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी r। तो r कितना आ गया, a√πa, ठीक है, a√πa। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, तो पाई की जगह पे पाई ही रखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। आर कितना आया, a√πa, तो आर की जगह पे लिख लेंगे a√πa। और एच कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया a√πa, तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पाई को हम लिख सकते हैं √πa गुना √πa, ठीक है, क्योंकि √πa गुना √πa हो जाएगा पाई। जैसे √2 गुना √2 होता है, जैसे √3 गुना √3 3 होता है, उसी तरह √πa गुना √πa क्या होगा, पाई। तो बटा में √πa है, तो √πa से √πa खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 2 गुना √πa गुना a गुना b, यानी 2√πa b इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा।